हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज चेतना सिंह. आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो. और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 ब्लैक आईलाइनर. एक्चुअली जब मैं लाइनर परचेज करती थी तो मुझे काफ़ी कंफ्यूजन होता था. मैं रिव्यू देखती थी और रिव्यू देखने के बाद भी प्रोडक्ट परचेज करने पर मुझे जो प्रोडक्ट रिसीव होता था उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं होती थी. तो अभी भी मेरे पास में आईलाइनर का जो है बहुत सारा कलेक्शन है, लेकिन उनमें से मैं लाइक 4 to 5 ही आईलाइनर है जिनको मैं अपनी एवरीडे लुक के लिए या फिर किसी भी मेकअप लुक के लिए यूज़ करती हूँ. तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके कि कौन से टाइम पर और कौन से मेकअप लुक के लिए कौन सा आईलाइनर यूज़ करना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद माय वीडियो. सो गाइज, मेरा जो फर्स्ट आईलाइनर है वो मेबलिन न्यूयॉर्क आई स्टूडियो आईलाइनर है. ये आईलाइनर जो इस तरह की ग्लास बॉटल के अंदर आता है, ये इसका जो प्राइस है वो 525 रुपीज़ है, बट मुझे डिस्काउंट के अंदर ये नायका से 400 का मिला है. 525 रुपीज़ के अंदर जो है 3 ग्राम प्रोडक्ट इसमें मिलता है. इसके साथ में ये ब्रश आता है जिसके ऊपर प्लास्टिक कैप होती है. ये फ्लैट पॉइंटेड ब्रश है. और गाइज, ये आईलाइनर जो है आप किसी भी स्मोकी आई, किसी भी मेकअप के अंदर स्मोकी आई के लिए यूज़ कर सकते हैं. प्लस आप इसको विंग आईलाइनर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और ये आईलाइनर जो है वो वाटरप्रूफ है बट स्मज प्रूफ नहीं है. बिकॉज स्मज, जैसा कि मैंने बोला कि आप स्मोकी आई क्रिएट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली स्मज प्रूफ नहीं है. और इस आईलाइनर को परचेस करने से आपको मतलब कोई भी स्मोकी काजल नहीं परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्मोकी आई के लिए बहुत अच्छा लुक देता है. और ओवरऑल ये जो आईलाइनर है प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आईलाइनर है. ये डीप ब्लैक आईलाइनर है. सो मुझे ये बहुत पसंद आया. आप लोग भी इसे परचेस कर सकते हो. नायका पे अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है और purple.com पे भी ये अवेलेबल है. सो या गुड गाइस, जो मेरा नेक्स्ट आईलाइनर है वो मेबलिन न्यूयॉर्क हाइपर ग्लॉसी लिक्विड आईलाइनर है. इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है. इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 325 रुपीज़ है, बट मुझे डिस्काउंट के अंदर 255 रुपीज़ में मिला नायका से. और इसका जो ब्रश है गाइज वो बहुत थिन है. आप इजीली इससे विंग आईलाइनर जो है वो बना सकते हैं. ये देखिए, मैं आपको उसका ब्रश दिखाती हूँ. और ये जो आईलाइनर है वो वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है. एक्चुअली इसका जैसे नेम है ग्लॉसी आईलाइनर, इसमें ग्लॉसी जैसा कुछ नहीं है. बस ये है कि आप इस बहुत सारे आईलाइनर जो है वो अप्लाई करने के बाद थोड़ा मैट फिनिश देते हैं, बट ये आईलाइनर अप्लाई करने के 3-4 घंटे बाद भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी आईलाइनर अप्लाई किया है. तो या ओवरऑल ये आईलाइनर जो है प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आईलाइनर है. मोस्ट ऑफ मैं इसी आईलाइनर को यूज़ करती हूँ. ये मेरा फेवरेट आईलाइनर है क्योंकि ये थोड़ा प्लास्टिक जैसा दिखता है. सो या इट्स नाइस. नेक्स्ट जो मेरा आईलाइनर है वो अगेन मेबलिन न्यूयॉर्क द कोलॉसल आईलाइनर है. ये आईलाइनर जो है थोड़ा स्केच पेन आईलाइनर जैसा है. और इसका जो स्केच है वो बहुत पॉइंटेड है. मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखो, इस टाइप से है. अगर आपको शार्प विंग क्रिएट करने हो तो आप इस आईलाइनर को परचेस कर सकते हो. ये भी अगेन डीप ब्लैक है और ये ट्रैवल फ्रेंडली है. देखो कितना स्केच पेन जैसा दिख रहा है. और आप इस आईलाइनर से जो है शार्प विंग क्रिएट कर सकते हो. ये वाटरप्रूफ नहीं है बट ये स्मज प्रूफ है. और ये आपकी आईज़ पर जो है 4 to 5 आवर तक बिल्कुल अच्छे से रह सकता है. तो या इट्स वेरी नाइस. मेरे को ये काफ़ी टाइम से चाहिए था तो मैंने ख़रीदा इसको. और दूसरा चीज़ ये है कि इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 450 रुपीज़ है, बट ये मुझे डिस्काउंट के अंदर अगेन 338 रुपीज़ का मिला. ये भी मैंने नायका से परचेस किया है. ये अगेन अमेजोन पे अवेलेबल है, नायका पे और purple.com सब पे अवेलेबल है. तो अगर आपको शार्प विंग क्रिएट करने हो तो आप इस आईलाइनर को परचेस कर सकते हो. अदरवाइज़ मैं आपको आगे और आईलाइनर दिखाऊंगी जिससे भी आप जो है शार्प विंग क्रिएट कर सकते हो. सो या इट्स माय फेवरेट आईलाइनर. अभी आप देख सकते हैं मैंने जो आईलाइनर अप्लाई कर रखा है वो मैंने यही आईलाइनर अप्लाई कर रखा है. सो या मूव टू फर्दर आईलाइनर. नेक्स्ट जो मेरा आईलाइनर है वो लॉरियल पेरिस का इनफैलिबल आईलाइनर है. गाइज, इसकी जो पैकेजिंग है बहुत अच्छी है. ट्रैवल फ्रेंडली है. और इसका जो कैप, इसके ऊपर ये प्लास्टिक कैप आता है. इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 575 रुपीज़ है, बट मैंने इसको अगेन डिस्काउंट के अंदर 460 रुपीज़ में मिंत्रा से परचेज़ किया है. और इस आईलाइनर से आप अच्छे विंग क्रिएट कर सकते हो. प्लस
आप स्मोकी आई भी क्रिएट कर सकते हो, और 575 रुपीस के अंदर आपको 1.1 ग्राम क्वांटिटी मिलती है। बट ये प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आपको स्मोकी आई क्रिएट करने के लिए कोई लाइनर चाहिए तो आप मेबलिन का जेल आई लाइनर यूज़ कर सकते हो। इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, ये भी अगेन डीप ब्लैक है। ये मेरा फेवरेट आई लाइनर है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में कोई आई लाइनर चाहिए तो आप मेबलिन का जो जेल आईलाइनर है वो यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वो आपको डिस्काउंट के अंदर एक तो अच्छी प्राइस में मिल जाएगा, प्लस आप उससे विंग भी क्रिएट कर सकते हो और वो स्मोकी आई भी क्रिएट कर सकते हो, तो प्राइस के अकॉर्डिंग वो आईलाइनर आपको अफोर्डेबल रहेगा, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट जो मेरा आईलाइनर है वो लैक्मे एब्सोल्यूट शाइन आईलाइनर है। इसका प्राइस जो है वो 400 रुपीज़ है। आई गॉट दिस 375 रुपीज़ फ्रॉम नायका, एंड इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं और वो सब जो कलर हैं वो शाइन फिनिश देते हैं, बट मैंने ब्लैक कलर परचेस किया है तो ये थोड़ा मैट फिनिश देता है। और ये जो आईलाइनर है वो 4 to 5 आवर्स आपकी आईज़ पर अच्छे से टिक जाएगा, उसके बाद में थोड़ा क्रैकी लगता है। और इस आईलाइनर को जो ब्रश है गाइज वो बहुत थिन है। अगर आपको थिन आईलाइनर अप्लाई करना है आपकी आईज़ पर तो आप ज़रूर ये वाला आईलाइनर परचेस करें, और आप इससे अच्छे वाले विंग भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ओवरऑल ये आईलाइनर भी बहुत अच्छा लगा। मैं मोस्ट ऑफ जब मुझे थिन आईलाइनर क्रिएट करने होते हैं तो मैं यही वाला आईलाइनर यूज़ करती हूँ, और ये डीप ब्लैक नहीं है, ये नॉर्मल ब्लैक जो आईलाइनर्स होते हैं वैसे हैं। लैक्मे में बहुत सारे आईलाइनर आते हैं, बट अभी तक का मेरा सबसे फेवरेट आईलाइनर यही है। सो या ओवरऑल इट्स अ नाइस आईलाइनर। सो गाइज ये था मेरा आईलाइनर का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बट मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको शार्प विंग क्रिएट करनी है तो आप ग्लॉसल आईलाइनर पर जा सकते हो। अगर आपको विंग प्लस स्मोकी आई बनानी है तो आप मेबलिन के जो जेल आईलाइनर है उस पर जा सकते हो। अगर आपको थिन आईलाइनर बनाना है तो आप लैक्मे एब्सोल्यूट पर जा सकते हो। सो गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइज़।